जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके मन में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन उनको इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो नहीं मिलते हैं। कई बार वो जाने अनजाने में कई सारी जो गलतियाँ हैं वो कर बैठती हैं और बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उथल पुथल करते रहते हैं। जैसे मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, व्रत मासिक धर्म के दौरान या पीरियड्स के दौरान व्रत जो है अगर हमने रख लिया है तो व्रत टूटेगा तो नहीं, पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत सारे जो सवाल हैं वो उनके मन में चलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, जैसे हम बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं या बहुत ही ख़राब खाना खाते हैं, कुल मिला के जब हम खाना खाते हैं तो कितना भी अच्छा खाना खा लें कितना ही ख़राब खाना खा लें, वो जो खाना है वो दूषित होता ही है और हमें उसको मल के रूप में बाहर निकालना ही पड़ता है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हमें ना चाहते हुए भी उसे अपने घर से विदा करना ही पड़ता है, हमें उसे अपने घर से निकालना ही पड़ता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमारे घर में शोबर या शूतक हो जाती है, उस दौरान हमें घर में कोई भी शुभ कार्य, घर में कोई भी बड़ी पूजा पाठ जो है वो हम नहीं कर सकते हैं जब तक घर में सूतक जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, घर में जो अशुद्धि है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हमारे घर में सूतक लग जाती है, घर जो है वो अशुद्ध हो जाता है और अशुद्धि की अवस्था में हमें अपने घर में कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए और ना ही करने होते हैं। कोई भी शादी विवाह पूजा पाठ, बड़ी पूजा, भागवत, अखंड रामायण जो भी होता है वो हमें घर में नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स है, वो प्रकृति की देन है, वो एक मासिक चक्र है, वो हर महीने आता ही आता है और हम इससे जानकर भी और अनजाने में भी मुंह जो है वो नहीं फेर सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति की देन है और ये आता ही है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में ये जो लिखा हुआ है कि हमें पीरियड्स के दौरान कोई भी शुभ कार्य जो है, कोई भी पूजा पाठ है वो नहीं करने चाहिए, तो हमें नहीं करने चाहिए क्योंकि इस दौरान अगर हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य जो है वो करते हैं तो हमें, भले ही हमें इन चीज़ों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं इस दौरान, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इसका जो दोष है वो हमें ही लगता है। तो हमें इस दौरान, अशुद्धि के दौरान हमें कोई भी पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं उनको ये लगता है कि हम पूजा पाठ जो है वो कर रहे हैं तो भगवान देखने नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका दोष कहीं ना कहीं हमें लगता है, अनजाने में ही हमें इसका जो दोष है वो भुगतना पड़ता है और हम अनजाने में इस तरीके से जो गलतियां हैं वो कर बैठते हैं। कभी कभी हमें इसका जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक रूप से भुगतना पड़ता है। कभी कभी हमें हमारे बच्चों को, हमारे घर में सारे सदस्यों का, सारे सदस्यों को इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी भी ना करें और जितने भी सवालों के जवाब हैं वो एक एक करके चलिए दे देती हूँ। सबसे पहले, पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कोई भी आप पूजा शुरू कर रहे हैं, कोई भी व्रत शुरू कर रहे हैं, पहला शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप छठ पूजा ले लीजिए, करवा चौथ ले लीजिए, तीजा ले लीजिए या
इत्यादि बहुत सारे जो व्रत हैं वो अगर आप शुरू कर रहे हैं, और अगर आपका पीरियड्स आ गया है तो आप अशुद्धि की अवस्था में कोई भी व्रतों को शुरू ना करें। बीच में कभी आ जाते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन कभी भी अशुद्धि की अवस्था में कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत जो है, कोई भी त्यौहार है, वो हमें पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए, जो व्रत हैं वो हमें उठाने नहीं चाहिए। पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इस दौरान हमें पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत सारी माताएं बहनें हैं जैसे नवरात्रि का जो व्रत है वो कर रही हैं, 2-3 दिन उन्होंने प्रण करके जो पूजा है वो शुरू कर दिया है, उसके बाद उनको पीरियड्स आ जाता है, तो उनको जो व्रत है वो नहीं छोड़ने चाहिए, बीच में उनको जो व्रत है वो करने चाहिए। और घर में जो भी सदस्य हैं उनसे पूजा पाठ जो है वो करवाना चाहिए, लेकिन उनको जो व्रत है वो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। पहले से ही अगर पता चल जाता है तो उन्हें व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के कितने दिन बाद जो पूजा है वो हम कर सकते हैं, तो हमें कितने दिन तक पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हमें पूजा जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके अनुसार महिलाओं को 3 दिन बाद जो अनुमति है वो दे दी गई है, 3 दिन बाद वो पूजा कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं 3 दिन तक उनका जो पीरियड्स है, जो उनका ब्लीडिंग है वो बंद नहीं होता है, तो उनको ऐसी स्थिति में जो पूजा पाठ है वो नहीं करना चाहिए। उनको जितने भी दिन पीरियड्स आता है, अच्छे से पीरियड्स जो जब चला जाता है, मीन्स उनका जो ब्लीडिंग है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, बालों को वो 2-3 बार धो लेती हैं, अच्छे से सुखा लेती हैं, उसके बाद ही उनको पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए, उससे पहले उनको पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं उनका 1-2 दिन या 3 दिन तक पीरियड्स आता है, 4th दिन वो एकदम से पूर्तियाँ जो है वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं, उनकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है, तो ऐसे लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी 5 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। 4 दिन तक तो अशुद्धि ही रहती है, 5वें दिन आपको अच्छे से बालों को धोकर सुखाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 5-6-7 दिन पीरियड्स आता है तो आपको जब तक ब्लीडिंग आती है तब तक आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे से जब पीरियड्स जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, आपको अच्छे से बाल वाल धो के सुखाकर तब ही पूजा जो है वो शुरू करनी चाहिए। अशुद्धि की अवस्था में पूजा नहीं शुरू करनी चाहिए, इसका जो दोष है वो आपके ऊपर आता है, आपके बच्चों के ऊपर आता है, आपके घर में कभी संकट आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब आपको उसका परिणाम भुगतने को मिलता है तो आपको याद आता है कि हमें ऐसे जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए थे। तो दोस्तों पीरियड्स के दौरान आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।